जयपुर के विद्याधर नगर निगम जोन में मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक कर रहे हैं अपनी मनमानी। सफाई कर्मचारियों से ले रहे हैं ऑफिस कंप्यूटर का वर्क। आपको बता दें कि निदेशक एवं विशिष्ट सचिव दीपक नंदी द्वारा जारी पत्र में साफ तौर पर यह दर्शाया गया है कि नगरीय निकाय में गैर सफाई के कार्य में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को सफाई कार्य पर ही लगाया जाए। विभागीय निर्देशों की पालना नहीं किए जाने पर विभाग की शिकायत मिलने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पत्र में बार बार चेतावनी दी गई है कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2018 में चयनित सभी सफाई कर्मचारी से सफाई का कार्य ही लिया जाए। किसी भी नगरीय निकाय में शिकायत आने पर बिना सुनवाई का अवसर दिए कार्रवाई की जाएगी। डीपी के पत्रकार से बातचीत में नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि 2018 में जिन लोगों को सफाई कार्य में भर्ती किया गया था उनसे सफाई कार्य संबंधित कार्य ही लेना चाहिए। अगर ये किसी क्षेत्र में नहीं हो रहा है तो जांच करवाएंगे। डीपी के संवाददाता ने जब उनसे पूछा कि सीएसआई ने 2018 में भर्ती सफाई कर्मचारियों को अपने ऑफिस में कार्य करवा रहे हैं, इस पर कमिश्नर ने कहा कि पूरे नगर निगम में इस प्रकार से अगर सफाई कर्मी से काम लिया जा रहा है तो हम निश्चय ही उन्हें सफाई कार्य में लगवाएंगे। डीपी के संवाददाता ने कहा कि विद्याधर नगर जोन में इस प्रकार की बातें देखने को क्यों मिल रही हैं। इस पर कमिश्नर ने कहा कि आपने ध्यान दिलाया है, पता करते हैं, जांच करवाएंगे और जांच में कोई जोन विशेष में करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यार मेरे पास शिकायत आ गई 4-5 बार। आपका कोई थोड़ी लिंक है? वेद प्रकाश जी आपकी कहाँ पर ड्यूटी है? हैं? आप सफाई कर्मचारी हो ना? हाँ। हैं? तो आपकी कंप्यूटर पे थोड़ी ड्यूटी रहेगी? कंप्यूटर पे ड्यूटी रहेगी? नहीं, आज तो है शनिवार है, कंप्लेन निकलवाने के लिए आया हूँ। कई की कंप्लेन? राजस्थान संपर्क। आप यहाँ पर जब से काम कर रहे हो ना, हाँ। मेरे पास आपकी फुटेज है, मैंने गुप्ता जी से बात कर ली है और मैडम आपकी भी ड्यूटी है नारी के नाके में। मेरी कोई आया तब जी सर्किल से और तो आप जाते क्यों नहीं हो? जाती हूँ सर। कहाँ जाते हो आप? तो यहीं रहते हो। सर्किल से और टैक्सी स्टैंड तक जाके मेरी किस पूछो किसी से भी। किससे पूछूँ? वहाँ पे पूछ लो, जो नंबर पे है दुकानें वगैरह उनसे पूछ लो सर। नंबर पे नहीं, आपका इंस्पेक्टर बोल रहा मेरे को। कौन इंस्पेक्टर? मेरा इंस्पेक्टर कौन? कौन है इंस्पेक्टर? कौन है मेरा इंस्पेक्टर? कोई भी हो, एक्स वाई जेड। आप ताऊजी सर्किल से और टैक्सी स्टैंड तक मेरे साथ चलो और वहाँ दुकानें वाले। आपकी ड्यूटी वहाँ नारी के नाके में लगाई थी? नारी के नाका मैं जानती नहीं, नारी के नाका। अजी पहले लगाई थी आपकी, समीर जी ने आपकी चेंज कर दी थी। प्रकाश जी आपकी ड्यूटी यहाँ नहीं है, ठीक है ना? हाँ। जो आप सिस्टम पे बैठो, आप हो सफाई कर्मचारी। गुप्ता जी से मेरी बात होगी, मंडे को मैं काम करूँगा, ठीक है ना? मेरे पास खबर है, खबर चलाऊँगा मैं। अच्छा। आपके जो ऑर्डर आए हुए ना लिस्टों के, वो ऑर्डर मेरे पास है। आप गुप्ता जी से बात कर लेना, ठीक है ना? कहाँ गुप्ता जी? हेड ऑफिस के। हेड ऑफिस कब तक आएंगे? कोई पता नहीं, मीटिंग में गए हो? पता नहीं। हेड ऑफिस को बताओ, कोई काम हो? काम तो मिलना। हेड ऑफिस ही। हेड ऑफिस। हेड ऑफिस। फोन भी नहीं उठा रहा, फोन कर रहा। फोन तो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में उठा। मीटिंग में बैठा है। जयपुर शहर के विद्याधर नगर जोन के अंदर जो 2018 के अंदर सफाई कर्मचारियों की वैकेंसी निकली थी वाल्मीकि समाज की, जिसमें काफी अदर कास्टें भी
ने भी ज्वाइनिंग की है इसके अंदर। एक मेरा ये सवाल था सर, सफाई कर्मचारियों को वार्ड में ही सफाई के लिए रखा गया है या ऑफिस के अंदर कंप्यूटर वर्क करवाया जाए? देखिए, जो सफाई कर्मियों की भर्ती है वो चाहे किसी भी कम्युनिटी से रिलेटेड हों, अगर उन्होंने सफाई कर्मी के रूप में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की है तो स्वाभाविक रूप से उनको सफाई से संबंधित कार्य में ही लगाया जाना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर किसी क्षेत्र में इस प्रकार से नहीं किया जा रहा है और इतर कार्य अगर कोई लिया जा रहा है या वो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली ना दे करके और ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसे कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग विस्तृत इसकी जांच करवाते हैं सर। और अगर इतर कार्यों में लगे हुए हैं तो निश्चित रूप से ऐसे कार्मिकों को इतर कार्यों से हटा करके सफाई कर्मियों में लगाया जाए। सर, DMD आपके DMD द्वारा भी, दीपक नन्नी जी है उनके द्वारा भी नोटिस जारी किया गया भाई, जिस सफाई कर्मचारी को ऑफिस में कार्य के लिए लगाया जा रहा है निश्चित रूप से उनकी भी, जिनको सफाई के लिए भर्ती किया गया है उनसे सफाई से संबंधित ही कार्य लिया जाना चाहिए। और अगर किन्हीं क्षेत्रों में ये नहीं हो रहा है तो हम लोग बिल्कुल जांच करवा करके और इसको सुनिश्चित करवाएंगे कि वही कार्य हम सके। और जबकि CSI गुप्ता जी है और एक पवन कुमार है, उन दोनों ने ही अपने ऑफिसों में ही वर्क करवा रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग पूरे उनके ऊपर सब कोई, बल्कि पूरे ही नगर निगम क्षेत्र में अगर कहीं भी इस प्रकार से इतर कार्य लिया जा रहा है तो हम निश्चित रूप से उनको सफाई से संबंधित कार्यों में ही लगवाएंगे। ये सर ज़्यादा विद्याधर नगर जोन में ही देखने को क्यों मिल रहा है सर ऐसा? देखिए, ये तो पता कर लेते हैं, अभी आपने बात ध्यान में लाई है तो निश्चित रूप से अगर जांच करवा के अगर विशेष तौर पर किसी जोन विशेष में इस प्रकार की है तो इस प्रकार से करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।